मेरे ऊपर एगो नहीं 10 को FIR कर दे लोग। हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम? ये हथकड़ी है और ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस बार इन लोगों को गर्म पानी से भेंट पड़ा है। ऊपर फिर से इन लोग FIR करेंगे, मेरे को फिर से दबाने का प्रयास करेंगे। जाके हाजत का स्थिति देखिए लोग, आप लोग भैया एक भी देखिए लोग। हम इतने दिन से चुप थे ना, आज बोलेंगे हम। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, एगो इंजीनियर दब के मर गया, एगो यादव जी दब के मर गए। समस्तीपुर में एगो यादव जी दरोगा थे, उनको मार दिया गया। तेजस्वी यादव, यादव की बात करते है ना, एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में। काहे नहीं ये लोग जाति के भी नाम पे क्यों नहीं काम आते हैं? तो फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। ये हथकड़ी है और ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस बार 6 महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ। कोर्ट में आता हूँ, चुपचाप जाता हूँ, चुपचाप जाता हूँ। आज परेशान कर दिए। हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हाँ। हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम नहीं डरेंगे, वादा कर। उन लोगों पे बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिहार पुलिस को हिम्मत है, पकड़ के लिया जो बिहार के मजदूरों को मारा है, बिहार के जेल में डाले। आज बोलेंगे हम। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, एगो इंजीनियर दब के मर गया, एगो यादव जी दब के मर गए। समस्तीपुर में एगो यादव जी दरोगा थे, उनको मार दिया गया। तेजस्वी यादव, यादव की बात करते है ना, एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में। काहे नहीं ये लोग जाति के भी नाम पे क्यों नहीं काम आते हैं? नीलेश मुखिया को मार दिया गया है। यहाँ पे मजदूरी को मारा गया है, बिहार के मजदूर मार खाते हैं। सरकार देखता है फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। 6 मजदूर फिर से मार खाया है, जाके पूछना। मजदूर मार खाया है, एमके स्टालिन का बेटवा है ना, उदयनिधि स्टालिन। आग लगाया है कि नहीं लगाया है? एनएसए में काहे नहीं डाला जा रहा है? सबको जो है गजेरी के बीच में, भंगेरी के बीच में, नशेरी के बीच में बैठा देता है लोग। अब मुंह पे वो गाजा पी के फूक देता है सब। मेरा माथा दर्द करता है। हम जब मना करते हैं इन लोगों को, तब वो पहुंचवाता है लोग। अभी आप लोग नहीं, लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। वादा करता हूँ, और एक दिन हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाया जाता है। ये तो बेचारे ईमानदार आदमी है, जितना कांस्टेबल है लोग सब ईमानदार है लोग। इसमें सब बेचारा युवा है लोग, युवा लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और जितना अधिकारी सिंगल स्टार डबल स्टार है वो लोग करप्ट है, और उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता। चलाइए बिहार में, बदलिए सारा बिहार को। यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है। बता दीजिए बिहार को, बदलिए लोग बिहार को, बदलिए। ये देखिए, ये टूटा फूटा गाड़ी जो है बंद हो जाता है, रास्ते में धक्का लगाना पड़ता है। इस गाड़ी में जो है 60 को कैदी को बंद ठूस ठूस के भेजा जाता है। और हाजत जाके चेक करवाइए लोग, आप लोग हाजत। मेरे ऊपर एगो नहीं 10 को FIR कर दे लोग। हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम? ये हथकड़ी है और ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस बार इन लोगों को गर्म पानी से भेंट पड़ा है। चलाइए बारिश होने की दिखाइए। और मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे ऊपर फिर से ही लोग FIR करेंगे, मेरे को फिर से दबाने का प्रयास करेंगे। जाके हाजत का स्थिति देखिए लोग, आप लोग।